जय हिंद दोस्तों, ये शाही डेयरी नगावा फतेहगढ़ साहब, दिलविंदर जी हैं, इनके पिताजी हैं स्वर्ण सिंह, जिनकी सरपरस्ती में ये खेती करते हैं और पशुओं का कारोबार है खरीदो फरोख्त का। और महाराष्ट्र से हैं इनके पास किसान, नौजवान लड़के आए हुए हैं, तो उनसे बात करेंगे ये क्या है, इन लोगों की परख, कितना पढ़े लिखे हैं, कैसे इस काम में आना चाहते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? योगेश कुरुमकर। योगेश कुरुमकर। कुरुमकर, कितना पढ़े लिखे हैं? हम 10वीं तक पढ़े लिखे हैं। तो ये काम कब से कर रहे हो? ये 4-5 साल से कर रहे हैं। उससे पहले नहीं करते थे? उससे पहले करता था, खेती रहती थी 1-2 गाय। हाँ, लेकिन अच्छा ब्रेड वाली। अब कितनी है? अब घर पे है 8-9 है। दूध कितना हो जाता है? वो 100 लीटर हो जाता है एक दिन का। तो क्या भाव जाता है? दूध जाता है 35-36 रुपए लीटर। खेती में ज़्यादा कमाई इसमें? खेती में से तो इसमें थोड़ा ज़्यादा लगता है हमको। खेती में क्या होता है, थोड़ा फसल अच्छी आए तो ही मिलता है। ज़्यादा किस्मत के सारे रहता है, भाग्य के सारे ज़्यादा? हाँ, भाग्य के सारे। तो कितने दिन हो गए यहाँ आए हुए आपको? यहाँ 7 दिन हुए आए हुए आज। कितनी खेती है? खेती घर पे है 4-5 एकड़। अच्छा, तो ये जो गाय खरीदी है आपने, कितने खरीदी है? एक गाय, ये तो मान के चलो कोई 80 की है, कोई 90 की है, कोई 1 लाख की। ये कितने की है? ये गाय 85,000 की है। 88 हज़ार। हाँ, ये कह रहे हैं इसलिए? नहीं नहीं, कितने? 85 की है? 88 की है। अच्छा, हाँ। नमस्कार। नमस्कार। भाव याद नहीं रखते? मेरे को तो याद है। अच्छा, आपको याद? मेरे को तो याद है, पता नहीं भूलते होंगे। कौन सी ब्यांत है ये? दूसरे ब्यांत की है। दूसरे की? दूसरे। कितना देगी दूध? इसको 30+ तो देना चाहिए जी। अभी कच्ची है, थी तो 12 घंटे के अंदर निकाल। कितना समय? अभी 25 रन रहता है, 25 रोज रहता है इसका। तो सीमन का क्या कह सकते हैं? कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकता। भी ऑर्डिनरी है जहाँ सीमन सेक्शन। ये मेरे को नहीं पता जहाँ से। 88,000 में 25 लीटर दूध, 30+ चलेगी। आजकल तो डाउन चल रहा होगा। डाउन तेजी में कहाँ मिलती? 88,000 में लाख से बार मिलती जी। 30,000 की 30 लीटर दूध, 30-35 लीटर कटेगी ना, 30+ चलेगी। आप कितना मानते हो, कितना दे देगी आपके पास? मेरे पास मेरे ख्याल से वो चलेगी 25-26 तक तो जाएगी। हमारे इधर थोड़ा क्या होता है, इधर अच्छा रहता है, हमारे इधर थोड़ा कम। दूसरी ब्यांत है? हाँ, दूसरी ब्यांत जी। दूसरे नंबर पे जी। तंदुरुस्त है पूरी? बिल्कुल। ब्रीड कितनी है? 90% ये कम नहीं, 90 तो है, 80 तक हो सकते तो लालो जैसे आपको लगती है। आपने ब्रीड में ली तो क्रॉस में चलेगी कुछ? नहीं, थोड़ी तो है क्रॉस में, फुल ब्रीड में नहीं हो, थोड़ी है ब्रीड से। और इसमें क्या फ़ायदा होगा? जो थोड़ी क्रॉस ब्रीड की फैट भी ज़्यादा आएगी, दूध भी कम आएगा। दूध नहीं इतना कम देगी, क्योंकि HF में क्रॉस है कड़ा, कोई छाई वाल में क्रॉस है ज़्यादा। अच्छा, बिल्कुल, मतलब जितना है उतना ही रहेगा, बिल्कुल बढ़ेगी नहीं। कैसे? मतलब क्रॉस ब्रीड के ऊपर अब जितनी मर्जी खुराक खिला लो तो कहते दूध उसका जहाँ रुका वहीं रखो। नहीं नहीं नहीं, इतनी क्रॉस में अगर 30 दे रही है 40 दे रही है तो नहीं देगी। नहीं नहीं नहीं, ये क्रॉस में नहीं है। ये क्रॉस में नहीं है? नहीं, क्रॉस में नहीं। अच्छा, 4 दांत है अभी मेरे ख्याल ये। हाँ, 4 दांत। 4 दांत है। पहला ब्याह था? पहला ब्याह था। तो दाम क्या है इसका? ये 85 की ली है। 85 की है? हाँ, 85 एकड़ की। तो वो गर्मी में तो लोग कम खरीदते हैं, आप गर्मी में आगे, महाराष्ट्र के लोग तो बड़े समझदार कहते हैं। नहीं, हमारे इधर क्या होता है, अभी महंगी मिल रही। हाँ, इसीलिए इधर आया। इधर आगे से पार डाउन है? इधर हमको लगा डाउन है। अच्छा, डाउन है? हाँ। नहीं, डाउन तो है लेकिन कुछ खतरा रहता है। नहीं, जो तो ताजी नेड़े है उन्होंने थोड़ा होता है, तो उन्होंने कच्चियाँ भी जन महीने जहाँ कच्चियाँ नरम ने जी। गर्मी तो आएंगी? गर्मी तो आएगी, फर्क तो पड़ता ही। कैसे बचाओगे? ट्रीटमेंट देंगे पूरा, ग्लूकोज वगैरह साथ में भेजेंगे। अच्छा, जो स्ट्रेस में ना आए। कितनी जगह रोकेंगे लोग? 3 जगह रुकेगी, चौथे स्टेप पहुँचेगी। हाँ, चौथे दिन घर पे जाएंगे। वो ट्रक वाले रोकने आना का नहीं कर देते हैं? नहीं नहीं, साथ में जाएंगे। अच्छा, साथ में जाओगे? साथ में जाएंगे। साथ में जाना ही तो बदल देंगे? नहीं नहीं, वो ट्रक वाले ही बदल देते हैं? नहीं बदलते। नहीं, हमने सुना बदल देते। नहीं, हम खुद रहते। आप साथ रहोगे तो नहीं बदले? वैसे ट्रक वाले रास्ते में बदल देते? नहीं नहीं। अच्छा, चलो। चमड़ी मोटी लग रही?
नहीं चमड़ी इतनी मोटी नहीं, चमड़ी मोटी कहूँगा जी। ब्याज कौन सी है? ब्याज वो दूसरे बोलते हैं, हम तीसरे मानते हैं। तीसरे मानते हैं। रिवाइंडिंग भी सही नहीं हुई सिंगों की, कोई छोटे होते कोई जल्दी नहीं दिखवाता तो कटवा देता। जल्दी नहीं या अनजान लोग? अनजान लोग मान लो। ये कितना दूध वाली है? ये तो 40 प्लस कर दूंगी जी, अभी कच्ची है। आप कितने? आप कितने? मैं कहता हूँ हमारे यहाँ 40 प्लस निकालेगी। तुम्हारा मन? हमारे यहाँ इसका मान के चलो 30 प्लस ही। 30 प्लस निकाल लो, इनके 8-10 का फर्क पड़ जाता है। 10-20 8-10 का? वो क्यों? इनकी सेवा भी है, सेवा सेवा कम रही। क्या चारा देते हो? और जो सेवा करते हैं उनका प्रॉपर निकलता है? कहीं ज्यादा निकलता है? ज्यादा निकलता है। कई लोग जो यहाँ से पहले गई है, मेरी अहमदनगर आपकी गई है, हमें यहाँ 35 लीटर बड़ा था निकाले गए, बोलता चाचा छोटी है 38 लीटर निकाल रही है। अच्छा, बात करा दो जरा, ऐसे झूठ बोल देते हो। नहीं, बात करवाऊंगा, करवा दो, करवाना पता चल जाएगा अभी। नमस्कार जी। नमस्ते सर, शिक्रॉस होती है। अच्छा, क्या नाम? क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? नारायण। नारायण, नारायण जी ये कह रहे हैं कि हमने आपको 30 लीटर वाली गाय दी थी, वो वहाँ आपके पास जाकर ये कहते हमने 30 लीटर वाली गाय आपको बेची थी, वो दूध आगे जाके 35 लीटर दे रही है, 38 लीटर। सही बात है? 35 से आगे दे रही। 38 लीटर? हाँ। ऐसा क्यों बोलते हो? इन्होंने सिखाया क्या? मैं आया था ना, तुम्हारा मेरा भी वीडियो लिया था ना तुमने। अच्छा अच्छा, तो इसने ना, अब तुम सच बोल रहे हो ना इन्होंने सिखाया है? नहीं नहीं, सिखाने से क्या है, हमारे बुद्धि कर रहे हैं। ये सरदार जी पहले बोले थे बहुत तेज हो गए हैं। नहीं नहीं, हम झूठ काहे को बोले थे। अच्छा फिर तो ठीक है। कितनी गाय हैं आपके पास? 100 गाय है। 100 गाय हैं? हम आए तो दिखाओगे? हाँ। चलो आएंगे, अगले महीने आ रहे हैं। क्या दम लगा इसका? इसका 78,000 है। 78,000 उसको जो पहले वाले थी उसका 81,000। 81,000 जो तीसरी में बता रहा है। हाँ, हाँ, उसका 81,000। और इसका 78? इसका 78। तो ये तो उससे हल्की है, ब्रीड भी इसकी ज्यादा। दूध कितना देगी? दूध 35+ निकालेगी, बछड़ी अभी 25 रोज की कच्ची है, 35 से कम नहीं निकालेगी, ब्रीड वाली है। 78,000 की? कितना समय है? 25 रोज बाकी है इसका। अच्छा, 25 रोज अभी देगी इतना भी 25। अब इन दिनों में जो है कौन सी बीमारियां का खतरा रहता है? इन दिनों में थलेरिया हो जाता है, एनाफ्लाजमा बोलते हो जाता है, गर्मी में। गर्मी में हाँ बिल्कुल, बुखार नहीं टोटवा, चिचड़ वाला बुखार बोल देते हैं, चिचड़ भी इसमें लगते हैं। जो पहले लगे ना वो अभी काम अभी करते हैं गर्मी में आके। अच्छा, वो आके काम करेंगे? काम गर्मी में करते हैं। तो चिचड़ के कैसे बचाव करते हैं फिर वहाँ? हमारे इधर वो दवा मिलती है और इंजेक्शन। कितने की होती है वो? मान के चलो 10 गाय का 100 रुपये में वो दवा मिलती है। 10 गाय के साथ वो कितनी बार लगानी पड़ती है? एक ही बार लगा, साफ हो जाएगी। हाँ, साफ हो जाएगी। तो उसका मुंह बांधते हो पशु को? नहीं, उसको पशु दूसरे पशुओं से अलग अलग नहीं, कुछ नहीं, एक ही सबको मारते एक ही बार। तो चारा क्या देते हो तुम? हमारे यहाँ मक्का गन्ना घास ये रहता है। अब ये कैसे इसका 78,000 बोल रहे हैं? हाँ। आपको क्या उम्मीद है दूध की? हमको इसकी उम्मीद 26-27 लीटर तो हल्के से निकालेंगे। निकालेंगे। तुम क्या कहते हो? मैं तो 35+ आराम से 35 के नीचे जाएगी। तो इनको खुराक भी समझा दो। खुराक तो पक्के हैं, इन्होंने पहले पशु रखे हुए हैं। ये घुमाई जो तुमने? जी जी, ये तो ब्रीड में लग रही है, फुल ब्रीड में है जी। हम कहते हैं इसलिए नहीं है ही आपके सामने। आप तो हर एक को कह देते हो। नहीं, मैं उसको क्रॉस में बोला, थोड़ा जो है उसको बोला भी 10-15% क्रॉस में है। तो इसके वो टखने तो बड़े मोटे हैं, घुटना और टखने जिसको जान वाली है, बॉडी भी उसका ऐसे ही। ब्याज ज़्यादा होगी ना? ना ना, दूसरे ब्याज की है जी। दूसरे ब्याज की इतने बड़े होते हैं? दूसरे ब्याज दांत कर गई? दांत तो जवान है। तो तीसरे में भी हो सकती? चलो तीसरे लगा लो। तीसरे से दिख तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं। तो कितना दूध, कितना दूध दे देगी? दूध 40+ निकाल के भी इसका एक मंथ बाकी है, अभी 40 से बाहर चलेगी। यार तुम 35 से नीचे बात नहीं करते हो। जो देने वाली है वही है, जो नहीं तो क्या दाम है इसका? ये 85 की ली है। झूठ है, वो आपके पास बैठे हैं, वो खड़े हैं, पूछो। 40 लीटर दूध देगी?
40 तो नहीं, हाँ, लेकिन उसका निकाल देंगे हम, हमारे घर जाके 30 लीटर तो 30 प्लस इनके जाके वहाँ कम जाएगा, हमारे यहाँ निकाल देगा थोड़ा कम निकलता है, 30 दे देंगे, हाँ 30 प्लस 85 ही लगाइए, अगर अगर 30 नहीं निकल पैसे वापस करेंगे? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, वो देने वाला। कितने कितने लोग आए हैं तुम्हारे साथ? हमारे साथ 6 लोग आए। 6 लोग आए, उन्होंने कितने खरीदी है? 20 ले आए पूरा, किसी ने 2 लिए, किसी ने 3 लिए, किसी ने 4 लिए, किसी ने तो वो कि जो साथ में जो लोग आए हैं तो ये सब पहली बार आए? हाँ, कोई आप भी पहली बार आए? नहीं मैं दूसरी बार आया हूँ। आप दूसरी बार आए, इनको आप लेके आए? हाँ। तो इनसे कितना कमीशन लोगे आप? नहीं नहीं कमीशन का काम नहीं करते अंकल, हम करते नहीं, नहीं वो सारे धीरे से करते हैं। हाँ, सब मेहमान है, पास वाले है सब, मेहमान ही से तो, मेहमानों से तो दिया जाता है? नहीं जाता। कितना? 1500? नहीं नहीं, 1000? कमीशन तो कोई नहीं, नहीं है, नहीं सच करो, सच करो, भगवान को साक्षी मान के, भगवान का सब मान के। यार तुम्हारे वहाँ से लोग आते हैं ना, हाँ, तो जो साथ में लाते हैं उनका कमीशन मांगते हैं यहाँ का, ये भी छुपा जाते हैं बात पे? नहीं मेरे से तो, मैं तो मेरे, किसी को नहीं दिया। मेरे अच्छा, को तो तुमने नहीं दिया? ठीक, अच्छा तो अब अगर ये, अब अगर ये 30-32 लीटर दूध नहीं देगी तो ये पैसे वापस करेंगे? वो तो गारंटी है उनकी, लेकिन हाँ गारंटी है भाई, बिल्कुल गारंटी है, अगर सेवा पे भी होता है, अगर सेवा ही नहीं करेंगे वहाँ जाके, केयर ही ना करेंगे। चलो तो हम अपना किराया खुद खर्चे हैं, तो हमको इन आठों का जाके मिलके करवाना एक महीने बाद, एक महीने बाद इनकी। हाँ बिल्कुल जरूर चलेंगे, कोई बात नहीं, चलो लाओ अगली लाओ। ये जो गाय जो है तो क्या क्या कहोगे, गाय ब्रीड में है या क्रॉस में? वो तो है ब्रीड में, थोड़ा फूले उसकी दूध भी निकाल देंगे हम, 35 के आसपास तो दूध निकालना ही पड़ेगा। ये ब्याने वाली है? जाने वाली है। अब इसका समय कम है लोगों को, ब्याद कौन सी इसकी? इसकी ब्याद तो मेरे ख्याल से लग रही है तीसरे ब्याद में होगी। अच्छा तो दाम क्या लगाया फिर? उसको दाम लगाए 93,000 रुपये। तो 93 क्या लगाया, दूध कितना देगी? वो 30 प्लस ही मान के चलो। तो इतना भाव क्या लगा दिया? नहीं गाय अच्छी है, बच्चा देने वाली है, गाय तो अच्छी है, बनावट से तो अच्छी है। वो नेड़े है ना, 10-15 दिन में बच्चा दे दी, दूसरी अभी कच्ची तो है, भाव भी तो 10,000 देख लगा दिए। हाँ जो फिर हाजिर है तैयार है उसका भाव बढ़ जाता है। जो कितने दूर तक जाएगी मेरे यहाँ तो 40 प्लस मान के चलो, आप फिर बोलोगे सभी को 40 बोली जाता है, लेकिन बोल वो तो आगे अगले महीने फैसला हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 93,000 या कम है? 93 के लिए। अच्छा अच्छा, तो इनको 7 दिन क्यों घुमाए तुम? गाय तो फटाफट मिल जाती है आजकल, गाय भी सारा ब्रीड वाला लिया हमने, पूछो हम जिसको बोला कोई काली नहीं करने का, आराम से लेने। तुम्हारा तो इतनी पकड़ है कि तुम एक दिन तो रेस्ट ही किया खूब, तुम तो एक दिन में दिलवा सकते हो, इतनी पकड़ है जी, मिल जाएगी। लेकिन पर जो चीज है तो फिर 7 दिन सोना ढूंढने को टाइम तो लगता ही है जी, इसमें भी कोई तो जब मर्जी इकट्ठा करके कब का तोड़ देता मैंने। जर्सी को क्रॉस? हाँ जर्सी क्रॉस में, बहुत छोटी है, बिल्कुल जर्सी हो, छोटा ही छोटा, 25 में मिल जाती है ऐसी। कैसे, कितने दूध वाली है? दूध 25-26 लीटर, 30 के आसपास चलेगी। दाम इसको 72,000। हम तो आधा अंदाजा लगा रहे थे, आधा कौन दे देगा 35,000 में। नहीं नहीं 72,000 30 लीटर के आसपास दे देगी, छोटी 30 तो खुद नहीं उतनी तो हमारे यहाँ निकाल देगी, इधर तो निकाल दी हमारे यहाँ। तुम तो पानी पाके कर लोगे, पानी को पाएंगे जी, साथ में चुराई करा देंगे। अच्छा तो 72,000 दाम लगाया, तो क्या चारा होता है आजकल वहाँ पे? हमारे यहाँ सूखा थोड़ा रहता है, थोड़ा हरा रहता है, ज्यादा तो करके हरा रहता है। क्या चारा बोते हो? वो गन्ना मक्का घास रहता है हमारे इधर का। अच्छा ये चलता है सर? चलता है, गन्ना भी खूब चलता है। हाँ गन्ना हर रोज मान के चलो, गन्ना रोजाना डालते हैं। हाँ रोजाना। तो खरीद के लाते हो, अपने ही होता? नहीं अपने खेत का, अपने खेत का ही होता। कितनी खेती है? 5 एकड़ है। 5 एकड़ है, तो गन्ना ही बोते हो ज्यादा? नहीं गन्ना तो 1-2 एकड़ रहता है, बाकी मक्का घास। अच्छा मक्का और घास। चलो आगे ले, क्या क्या खूबियां हैं इसमें? इसका आपने देख ही लिया, इसका ब्रीड कैसी है? हैं देखा मैंने, कौन ब्रीड में है ये? ऑर्डर टूटा हुआ? नहीं टूटा हुआ नहीं। और क्या, जिस दिन भरेगा उस दिन बताना जी, उस दिन देख। ऑर्डर टूटा हुआ नहीं? नहीं नहीं ऐसे ऑर्डर टूटा हुआ, ये थोड़ी कच्ची है, 1 महीने की कच्ची है, घर जाके बनाई। तो जमीन को छू रहा? कहां जमीन को छू रहा जी, गोड़े से, जो गोड़े से नीचे जाएगा वो टूटा है। कितना कितना दूध देगी? दूध 40 से बाहर ही चलेगी, अंदर नहीं चलेगी ये,
जिस बार से लिया वो 45 लीटर बोरा है इसकी है, 45 लीटर निकाल रहा है वो बोला फर्स्ट में, फर्स्ट में हाँ, अभी सेकंड में है बिल्कुल, थर्ड में हम तो लेकर 45 ही मानते हैं, 45 निकालेगी थर्ड में सेकंड में जी, थर्ड में दांत कर गई, दांत कर गई है सेकंड में, सेकंड में बिल्कुल। दाम क्या लगाया ये जोड़ा लिया इकट्ठा 81 का, एक ये थोड़ी ज्यादा लगा लो उसमें। अच्छा इसके जोड़े वाली, जोड़े वाली आती है अंदर, इसका कितना, 1,00,000 लगा, 1,00,000 इसका लगा लो, एक मान लो, एक को भी महंगी नहीं है। इस गाय के बारे में तुम ही बताओ। ये गाय तो है बड़ी ब्रीड वाली भी है, फार्म की है, हाँ फार्म की है, किसान की है, किसान बताओ, किसान की है, फार्म की है, फार्म से आई है। तो थन तो इतने बड़े बड़े हैं, तो फार्म वाली के थन बड़े नहीं है, वो तो छोटे होते मशीन लगाते हैं। नहीं 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 ऐसा कोई नहीं, बड़े थनों वाली भी होते। कितना दूध देगी, दूध 40 से कम नहीं देगी, तो सारी 40 है, 40 वाली है, मैं इसका क्यों कहूँ 35 देगी, जो है 40 वाली हम 45 भी निकाल सकते। अब ये दोनों का जोड़ा नहीं, वो नहीं है इसके साथ, हाँ इसके साथ हो रहा है, की है 85 के लिए, 85 सही बोल रहे, हाँ सही सही, ये ऐसे अंदाजे से बोल, नहीं 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 हम थे ना साथ में, पैसे दे दिए, हाँ पैसे दे दिए, या देने है नहीं, अब और रह गए थोड़ा देने का, सारे देके जाओ उधार करके जाओ, नहीं सारे देके जाएंगे, नगद देके, हाँ जो रहेगा वो फोन पे या अकाउंट पे डाल देंगे, डाल दो, हाँ तो दूध कितना दे देंगे, वो 30 प्लस ही निकाल देंगे, ये 40 का है, नहीं 40 तो मान के चलो, अच्छा आप हमारे यहाँ निकाल देंगे ना, ये आपकी बात कर, हमारे इधर तो 30 ही निकाल देंगे, पर कहीं ज्यादा हो जाता वहाँ जाके, आप कब पहुँचोगे तुम वहाँ, हम आज शाम को लोड करते हो तो चौथे दिन घर जाते हैं, चौथे दिन शाम को, तो ये कोई पता नहीं कर, मैंने आपको बताया उसको बोला मैं भी, ये 32-33-35 निकालेगी वो, उनके ज्यादा 38 लीटर निकाल रही है, तो ये तो फिर 72 घंटे का हो गया सफर इनका, बिल्कुल बिल्कुल, तो 72 घंटे की सजा मिल गई, सजा कौन मिलेगी, इनको सैलरी मंगा दिया, इनको सैलरी साथ जाएगा, दिन भर सैलरी खाएगी, चौकर खाना वाना खाएगी, रात रात चलेगी। वो हमको एक बता रहा था, कहता कि टेलीफोन आया था, कहता वीडियो बनानी है, हमने सैलरी लिया था, खराब निकल गया। कौन कहता जी? वो कोई टेलीफोन आया था किसी का। अच्छा, कहता सैलरी खराब दे दिया हमको, कैसे पता चल जाता है, ये पक्के लोग हैं तुम्हारे पास? नहीं मेरा सैलरी तो अच्छा आता है, फिर अगर खराब निकलता वो वापस करूंगा मैं उसको, वापस कर लूंगा, बिल्कुल करूंगा। नुकसान देगा? क्यों नहीं देगा, हो क्यों जाता, खराब हो क्यों जाता, क्यों खराब हो जाता? अब भी पता क्या, जो फैक्ट्री में पिछले साल का माल बहुत पड़ा है, रिसाइकलिंग कर देते हैं, कौन कोई नवी पैकिंग कर देते हैं, कोई बीच पानी पड़ा कुछ हुआ ऐसी पैकिंग करी जाती है, तो तुम लोग सभी कर देते हैं ना, मेरा तो खुद का घर का होता है ना, तुम्हारा घर का होता है, इनको तुमने अब घर वाला दिया, नेक्स्ट टाइम खत्म से डालने वाला दोबारा, अब इनको बाहर से लेके दिया मंगाया, तो क्या गारंटी उसकी, नहीं सही है चार, हमारे नजदीक ही है इनका चार, बहुत अच्छा। अच्छा अच्छा, इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई, किसी तरह की खाद सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं या बिक्री करते हैं तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।